अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि विक्स प्रीमियम और विक्स फ्री के अंदर क्या डिफरेंस है और क्यों हमें विक्स मतलब किन किन सिचुएशंस के अंदर हमें विक्स प्रीमियम यूज़ करना चाहिए और किस सिचुएशन के अंदर हम विक्स फ्री वाला प्लान है वो यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखें आपको एक चार्ट नज़र आ रहा है फ्री और प्रीमियम को। फ्री के अंदर आपको सब डोमेन मिलेगी विक्स की तरफ से ऑटोमेटिकली, आप इसके साथ कस्टम डोमेन इंटीग्रेट नहीं कर सकते। और प्रीमियम प्लान्स के अंदर आप कस्टम डोमेन ऐड कर सकते हैं। कस्टम डोमेन का मतलब ehsandanish.com ये कस्टम डोमेन है, google.com ये कस्टम डोमेन है, मतलब कोई भी डोमेन आप .net.com बाय करके अपनी विक्स अपनी वेबसाइट के साथ अटैच कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड फ्री के अंदर आपको जस्ट ये विक्स की जो सब डोमेन है इसी को ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, कस्टम डोमेन अटैच नहीं कर सकते। फ्री के अंदर आपकी वेबसाइट के ऊपर विक्स की तरफ से डिफरेंट एड्स नज़र आएंगे। ऑन द अदर हैंड प्रीमियम प्लान्स के अंदर आपको एड्स नज़र नहीं आएंगे आपकी विजिटर्स को आपकी वेबसाइट के ऊपर। उसके अलावा यहाँ पे स्टोरेज 500 MB और यहाँ पे 500 MB से ज़्यादा है प्रीमियम प्लान्स के अंदर। वो प्लान पे डिपेंड करता है कि कौन सा प्लान चूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट पे डिफरेंट स्टोरेज मिलती है आपको। बैंडविड्थ जो है वो 500 MB है जो कि बहुत ही बेसिक है। और यहाँ पे प्रीमियम है, प्रीमियम में जो है वो फ्रॉम 1 GB टू अप टू अवेलेबल, ये भी डिपेंड कर रहा है आप कौन सा प्लान बाय कर रहे हैं, अनलिमिटेड बैंडविड्थ वाला कर रहे हैं या लिमिटेड। तो यहाँ पे जो प्रीमियम प्लान है उसमें बैंडविड्थ अच्छी होती है। बैंडविड्थ में आपको बता दूँ कि बैंडविड्थ क्या होती है, कोई भी वेबसाइट के लोड बर्दाश्त करने की सलाहियत को हम वेब बैंडविड्थ कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊं, लेट्स से एक वेबसाइट के ऊपर कितने विजिटर्स एट अ टाइम आ सकते हैं, इस चीज़ को हम बैंडविड्थ समझ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो फ्री वेबसाइट में आप ऑनलाइन पेमेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लेट्स सपोज जिस तरह से आप कोई कोर्स सेल कर रहे हो या आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो ऑनलाइन पेमेंट्स आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, यूज़र ऑनलाइन पे नहीं कर सकता आपको। ऑन द अदर हैंड प्रीमियम प्लान्स में ये अवेलेबल है। कस्टमर केयर सपोर्ट है इसके अंदर भी अवेलेबल है। और इसके अंदर जो है प्रीमियम और VIP सपोर्ट अवेलेबल है, मतलब बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड तमाम प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपके हल करके देंगे। गूगल एनालिटिक्स आप इसके अंदर अटैच नहीं कर सकते, फ्री के अंदर और प्रीमियम के अंदर अटैच कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि जो है विक्स प्रीमियम और विक्स फ्री के अंदर क्या डिफरेंस है। अगर आप जस्ट अपना पोर्टफोलियो लर्निंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं विक्स, तो तब आप फ्री ऑफ कॉस्ट विक्स को यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर आपको कोई पे करने की ज़रूरत नहीं है। या आप कोई बेसिक सा पोर्टफोलियो अपना शो करवाना चाह रहे हैं और विक्स आप कस्टम डोमेन अटैच नहीं करना चाह रहे, तब तो फ्री अवेलेबल है, फ्री आप यूज़ कर सकते हैं। ऑन द अदर एंड अगर आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट यूज़ करना चाह रहे हैं तो फिर आपको कोई ना कोई प्रीमियम प्लान चूज़ करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।